नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, आप सोमवार के दिन यदि इस उपाय को करते हैं, आपकी तमाम इच्छाएं बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएंगी। कोई भी इच्छा हो, घर में यदि धन नहीं आता है, आप इस उपाय को कर सकते हैं। किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो गया है और सामने वाला व्यक्ति बिना वजह आपको दबा रहा है, आप इस उपाय को करें। घर में कोई रोग है जो जाने का नाम नहीं ले रहा है, आप जरूर करें इस उपाय को। नौकरी नहीं लग रही है, सोमवार के दिन आप जरूर करें इस उपाय को और रिजल्ट देखें, बहुत बढ़िया आएगा। जो जानकारी मैं आपको देने के लिए जा रही हूँ दोस्तों, यदि अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की नई वीडियो प्राप्त करने के लिए, और जितना ज्यादा हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर करें। अच्छी जानकारियों को शेयर करना पुण्य का काम है। हम जब कोई अच्छा कार्य करते हैं तो समाज में, घर में, परिवार में अच्छा लिटरेचर लोगों तक पहुंचाते हैं। जिस देवी देवता की हमने पूजा की होती है, उस देवी देवता की चालीसा या दूसरा कोई भी जो लिटरेचर है वो हम लोगों को बांटते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ करके उस व्यक्ति के जीवन में यदि कुछ अच्छा होगा तो आपकी लाइफ में अपने आप अच्छा होने लग जाएगा, राइट? तो ये जो जानकारियां हैं ये भी बहुत अच्छी हैं। घर बैठे आप पुण्य कमा सकते हैं इनको शेयर करके, राइट? आपको क्या करना है, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। सोमवार के दिन स्नान आदि आप कर ले, जो भी प्रॉब्लम आपकी है, जब आप पूजा स्थान में बैठते हैं अपने घर में, दिया बत्ती लगाएं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आपके कुल देवता हैं, आपके गुरु देवता हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, आप कोई भी व्रत, उपवास, टोना टोटका उपाय करते हैं, कोई भी नया काम करते हैं, सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः और उसके बाद में अपने गुरु जी को जरूर प्रणाम करें। गुरु की आज्ञा के बिना कोई काम ना करें। निर्गुरा व्यक्ति कुछ भी करता रहे उसको लाइफ में सफलता नहीं मिलती। अपने गुरु से आज्ञा लें कि मैं जो भी कार्य करने के लिए जा रही हूं या जा रहा हूं, यदि वो सही है तो मुझे सफलता प्रदान करना, यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे सही मार्गदर्शन देना। उसके बाद में आप अपनी कुल देवी को जरूर प्रणाम करें, उसके बाद जो भी आपके इष्ट देवता है उन्हें प्रणाम करें, सबसे आशीर्वाद ले लें। उसके बाद में आपको क्या करना है, 40 दाने चावल के लेने हैं जो टूटे फूटे ना हो। 40 दाने आपको मूंग के ले लेने हैं जो अखंडित हो। दोनों ही चीजों को आपको अपने हाथ में ले लेना है, भगवान से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, मेरा ये वाला काम हो जाए। अगर मेरा ये काम होता है तो मैं आपके शिवालय में आकर के दिस और दैट, जो भी आपकी कैपेसिटी हो उसके अनुसार आप मान्यता रखें कि मैं ये इतना प्रसाद या ये चीज करूंगी, या कोई भी मतलब अच्छा धर्म का कार्य आप करने के लिए मन ही मन निश्चय कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, वो दाने लेकर के शिवालय में चले जाना है और आपको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। आपको मंदिर की जो चौखट है, शिवालय में आप जाएंगे जहां शिवलिंग रखा होता है, शिवलिंग जहां विराजमान है, वहां पर आपको एक अलग गर्भगृह मिलेगा। गर्भगृह के आगे जहां पर नंदी महाराज बैठते हैं वहां आप खड़े हो जाएं और दोनों के बीच में जो पार्टीशन है वहां पर आप इन दानों को रखें और अपनी इच्छा आप 3 बार 5 बार 7 बार या 11 बार बोल दें और शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपने घर में लौट आए। आप देखेंगे आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी, बहुत जल्दी आपके रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे। करके देखें, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।